हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रद्धा धुरी। मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बोलने वाली हूँ। आजकल इंटरनेट की वजह से हम लोग का जिंदगी इतना आसान हो चुका है, हम लोग बिना इंटरनेट के हम लोग का जिंदगी सोच ही नहीं सकते। जैसे हर दिन हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, नेट का बिल, मोबाइल का रिचार्ज और कुछ भी सामान खरीदना हो हम लोग खुद जाकर नेट में खरीदते हैं। नेट में क्या करते हैं, ब्राउजर में जाकर हम उसका साइट खोलते हैं, इसका ऐप खोलते हैं, उसके बाद उसका जो भी चीज हमको पसंद आया हम लोग खरीद लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, हम लोग को खुद का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग सब करना पड़ता है। तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग का डाटा उसमें स्टोर हो जाता है, क्योंकि हम लोग का ब्राउजर में एक फैसिलिटी होता है, ब्राउजर की हिस्ट्री में वो स्टोर हो जाता है। तो इस जो हम लोग का डाटा स्टोर हो गया, अगर कहीं हम बिना लॉग आउट किए बंद करके चले आए, वो वाला डाटा कोई दूसरा उसको देख लेता है और हम लोग का डाटा कोई दूसरा भी ले सकता है। ये हमारे साथ साइबर क्राइम भी हो सकता है। इसलिए क्या, इस सब सिक्योरिटी के, इस सब के लिए बचने के लिए हम लोग को एक दूसरा फैसिलिटी है जो आप लोग शायद नहीं जानते। तो आप इस, मैं आपको बोलने वाली हूँ, ये थोड़ा आप देखिए। देखिए मैं पहले उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं मेरे अपना जीमेल अकाउंट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। देखिए तो ये, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है तो मेरा जीमेल अकाउंट का पासवर्ड मेरे ब्राउजर में स्टोर हो गया है, तो मुझे ये बिना पासवर्ड मांगे ही मेरा अकाउंट ओपन कर लिया। देखिए अगर कोई दूसरा अगर मेरे सिस्टम में आके बैठेगा तो उसको मेरा पासवर्ड, मेरा जीमेल अकाउंट खुद बिना मेरा पासवर्ड मांगे ही ओपन कर लिया, तो वो क्या करेगा, मेरा मेल आईडी आप एक्सेस कर सकता है, जो भी उसको कुछ भी कर सकता है मेरे मेल आईडी के साथ। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग देखिए ब्राउजर हो, सिस्टम मोबाइल हो और सिस्टम हो, जो भी हो, यहाँ पर देखिए राइट साइड में तीन तीन बटन है। इसको क्लिक करने से आता है न्यू इनकोग्निटो विंडो। इसको खोलने से यहाँ पर हम लोग अगर कोई भी नेट का बिल हो, मोबाइल का बिल हो, ऑनलाइन परचेज हो और जो भी है, तो इसमें अगर हम लोग खोलेंगे तो हम लोग का कुछ भी डाटा यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। ये 100% सिक्योरिटी है। चलिए देखते हैं। देखिए मैं खुद का अकाउंट अभी ओपन कर रहा हूँ। देखिए मेरा मेल आईडी मांग रहा है। यहाँ पर मैंने मेरा मेल आईडी डाल दिया, उसके बाद मेरा पासवर्ड मांगा। उसके बाद ही इसने ओपन किया। ठीक है, लेकिन अभी देखिए मैं बिना लॉग आउट क्लिक किए ही इसको बंद कर दिया, तो मेरा डाटा यहाँ पर रह गया। आप लेकिन ये चीज अगर हम ब्राउजर में करेंगे तो ये मेरा, मुझे दूसरे बार ओपन करने के लिए मुझे वो मेरा पासवर्ड नहीं मांगा। लेकिन इस विंडो में, न्यू इनकोग्निटो विंडो में, जब फिर दूसरी बार में जब मेरा अकाउंट ओपन करूंगा, देखिए करूंगी, तो मुझे ये मेरा जैसे प्रॉपर नए जैसे खुलते है इसी तरह ही मांगेगा। देखिए आप देखिए फिर से मुझे मेरा मेल आईडी मांगा। देखिए मेरा मेल आईडी भी इसने स्टोर नहीं किया। देखिए पासवर्ड भी मुझे डालना पड़ा, लेकिन मैंने इसको लॉग आउट बिना किए ही बंद किया, बंद कर दिया था, फिर भी ये मुझे प्रॉपर वे में ही मांगा। तो इसमें अगर हम लोग का कोई नेट का बिल हो, ऑनलाइन परचेज हो और इन हम लोग का जैसे रिचार्ज होता है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट होता है, टाटा स्काई का पेमेंट होता है, जो भी हो, तो इसमें करने से कुछ भी स्टोर नहीं, ना ही हम लोग का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का कुछ भी पासवर्ड इसमें स्टोर होता है। तो हम लोग को इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि इस विंडो को यूज कीजिए। इसको यूज करने से आप कभी भी आपके साथ साइबर साइबर क्राइम नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।